वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स में आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। टॉपिक्स दे दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंटिन्यू है। टॉपिक्स दे दिया गया है अप्लायंसेस कनेक्शन इन हाउस, हाउस वायरिंग। यहाँ पर यह कहा गया कि हाउस वायरिंग में ऑफिस वायरिंग या इस तरह का जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है, इस डोमेस्टिक वायरिंग में हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं। अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन डिफरेंट रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक और खास चीज हम लोग यहां जानेंगे जिसमें हम लोगों को यह पता चलेगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट सर्किट्स में और डिफरेंट ब्रांच में कितने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं, दैट मींस अमाउंट ऑफ करंट के लिए क्या फॉर्मूला है और किस तरह से गेन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अप्लायंसेस कनेक्शन को देखते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन डोमेस्टिक वायरिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया टॉपिक के अकॉर्डिंग कि आखिर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस किस तरह से सर्किट में जुड़े होते हैं। आंसर मिलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं। डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं। इस बात को ऐसे समझिए, फैन ले लीजिए, है ना, बहुत सारे अलग अलग फैन आपके हाउस में लगे हुए हैं, घर में लगे हुए हैं। आप देखिए वो सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट सर्किट को कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग एक फिगर से भी इस बात को समझेंगे। ऑल अप्लायंसेज रिक्वायर सेम कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर रीजन्स के बारे में बताया गया कि देखो जब भी जब हम लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कनेक्ट करते हैं तो उसको कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सप्लाई चाहिए, है ना। आप रेटिंग देखिएगा, जब आप बल्ब खरीद के लाते हैं सिंपली, उसमें भी आप रेटिंग देखिएगा तो जैसे LED बल्ब लाते हैं जनरली तो उस पर लिखा होता है 9 वॉट 220 वोल्ट। ये 9 वॉट पावर ऑफ द बल्ब है और 220 वोल्ट कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायरमेंट है उस बल्ब का। इसी तरह से जब आप फैन लाते हैं तो लिखा हो सकता है 100 वाट 80 वाट एंड 220 वोल्ट। डोमेस्टिकली जनरली 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए जो कि कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस माना जाएगा। आपके दिमाग में यह ना जाए क्या 220 वोल्ट से कम होगा तो वो ऑपरेट नहीं होगा, ऑपरेट प्रॉपर नहीं होगा, है ना। जिस दिन आपके घर में देखें कि किसी भी कारण से वोल्टेज कम होता है तो वहां बल्ब प्रॉपर ग्लो नहीं होता है, फैन का रनिंग और स्पीड कम होता है ना, बहुत सारे अप्लायंसेस जो है ना एबनॉर्मली वर्क करने लगते हैं। तो ये चीज़ है कि उसको कांस्टेंट एंड रेटिंग के अकॉर्डिंग अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रोवाइड करते हैं तो वो प्रॉपर चलेगा। हाउस और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल अप्लायंसेस को कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सप्लाई हो। और इसका वजह है क्योंकि सब अलग अलग जो अप्लायंसेस है वो सारे के सारे कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पर प्रॉपर ऑपरेट होते हैं। देखते हैं हम लोग एक फिगर से इसको समझते हैं। दो फिगर एक साथ ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, इसको देखिए कि अगर ऐसा करें तो फिर क्या होगा, और फिर इस तरह से हम लोग कनेक्शन करें तो क्या होगा। यहां हम लोग ले लेते हैं कनेक्शन, पावर सोर्स है, वी है, बहुत सारे चीजों पर बात करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लोग यहां क्लियर करेंगे। R1, R2, इसको भी हम लोग एक सोर्स ऑफ पावर से जोड़ देते हैं, सेल से जोड़ देते हैं, ये भी सप्लाई दे रहा है। इस दोनों में डिफरेंस क्या, आपको पहले से पता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब हम लोग अप्लायंसेस को कनेक्ट करने का बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। इसका वजह, पहला वजह बताया गया, सेम और कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को डेवलप करके रखना। अब यहाँ देखिए, आपको बताया जा चुका था जब सीरीज में पढ़ाया गया कि यहाँ V1 होगा और यहाँ V2 होगा, है ना। तो R1 को V1 पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है जबकि R2 को V2 मिल रहा है, और इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। ये अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं, जनरली डोमेस्टिक सप्लाई 220 वोल्ट का है ना, उसमें हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट चाहिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इस बेस पर यहाँ नहीं होगा। यहाँ आप अगर देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा जैसा कि इन पॉइंट्स के बीच होगा, है ना, ये पॉइंट्स के बीच होगा वही V होगा। दैट मीन्स R1 और R2 को कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सप्लाई मिल रहा है। अब आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। व्हेन टू और मोर अप्लायंसेस आर यूज्ड एट द सेम टाइम ईच अप्लायंसेस विल बी एबल टू ड्रॉ द करंट एज नीड। जब आप घर में देखें तो जिस रूम में आप स्टडी कर रहे होते हैं, आपका फैन चल रहा होता है, आपका बल्ब जल रहा होता है ना, कई बार और भी अप्लायंसेस ऑपरेट हो रहे थे सेम टाइम, आपका मोबाइल चार्जर होता है, आपका लैपटॉप अडैप्टर होता है, ये सारा चीज एक ही साथ चल रहा होता है, क्या सभी को इक्वल इलेक्ट्रिक करंट का रिक्वायरमेंट है? तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि जिसमें रेसिस्टेंस ज्यादा होगा
उसको ज्यादा करंट चाहिए, और जिसमें रेसिस्टेंस कम सॉरी जिसका रेसिस्टेंस हाई होगा उसको कम करंट चाहिए, और जिसका रेसिस्टेंस लो होगा उसको हाई इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। ऐसे कंडीशन में अगर आप देखें सीरीज कॉम्बिनेशन पर, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको बताया गया था, क्योंकि एक ही ब्रांच होता है इस पूरे सर्किट में, तो जितना इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाएगा इस सेल के द्वारा वो R1, R2, R3, R4 जितने भी होंगे इस सीरीज में, सब में एक ही तरह का सप्लाई होगा, जो कि बेहतर नहीं होगा। डिफरेंट रेसिस्टेंस में डिफरेंट इलेक्ट्रिक करंट का रिक्वायरमेंट होता है, और ये फुलफिल करता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, डिफरेंट सर्किट्स कैन ऑपरेट सेपरेटली इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। इसको हम लोग सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब सर्किट के कान में जाकर के बोले कि बंद हो जाओ, सेपरेटली ऑपरेट हो गया। यहां देखिए हम लोग यहां अगर एक स्विच लगा देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन साथ साथ आपको हम लोग बता रहे हैं, यहां एक स्विच लगा दिया गया। अब ये स्विच में जैसे ही अगर आप ऑन करते हैं, R1 R2 कंडक्ट हो जाएगा, R1 R2 ऑपरेट होने लगेगा। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें, यहां स्विच लगाएं, तो क्या होगा कि जब स्विच ऑफ कर देंगे ना आप, तो पता चला R2 में ऑपरेट नहीं हो रहा, अभी R2 कंडक्ट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, जबकि R1 में करंट सप्लाई हो रहा है। कई बार आप देखते हैं जब आप स्टडी कर लेते हैं, आपको रेस्ट करने का टाइम आता है रात में, तो आप अपने बल्ब को ऑफ कर देते हैं, है ना, बल्ब के साथ साथ फैन को भी ऑफ कर देते हैं, और पूरे घर के सारे बिजली को ऑफ कर देते हैं। ऐसा तो नॉर्मली होता नहीं है, जिस सर्किट का यूज नहीं है उस सर्किट को हम लोग क्लोज करते हैं, है ना। तो ये कब संभव है, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक स्विच ऑन ऑफ करने से सारे के सारे एप्लायंसेस ऑन और ऑफ हो जाएंगे, तो फिर यहां सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस वे एनी पार्टिकुलर सर्किट हैज नो हैवी रिजल्टेंट रेसिस्टेंस देन यूजुअल, है ना। ऐसा अगर आप करते हैं, ऐसा मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का वायरिंग करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हैवी रेसिस्टेंस आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, हैवी रेसिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ेगा। क्यों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो रेसिस्टेंस का कोई गारंटी है क्या? तो बिल्कुल गारंटी है। आप जानते हैं ना कि जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंसेस को अरेंज करते हैं, तो इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो है ना उसका वैल्यू कम होता है, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप रेसिस्टेंसेस को अरेंज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, वैल्यू ज्यादा होता है। अभी आप एक एग्जांपल से ले लें, 2-2 वोल्ट का, 2-2 ओम का 3 रेसिस्टेंस ले लो, और इसको आप सीरीज में कनेक्ट करो। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला R=R1 R2 R3 सम कर लेते हैं हम लोग, सो ऑन। 2+2+2 करोगे कितना हो जाएगा, 6 ओम। पहले था 2-2 ओम का 3 अलग अलग, जब इसको एक साथ सीरीज कर दिया, अब 6 ओम का रिजल्टेंट हो गया वो, है ना। जबकि इसको आप पैरेलल में करेंगे, 1/2+1/2+1/2 3/2, और इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, 2/3 हो जाता है, 0.66 वोल्ट रिजल्टेंट यहां घट गया। 2 ओम का अलग अलग रेसिस्टेंस ले रहे थे सीरीज में कर रहे थे, तो वो 6 हो जा रहा था, जबकि पैरेलल में किए तो 0.66 ओम हो जा रहा है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं प्रैक्टिकली। तो ये हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक था एप्लायंसेस कनेक्शन इन हाउस किस तरह से किया जाता है। याद रखेंगे पैरेलल, इसका वजह अगर पूछा जाए, बहुत सारा वजह है, ये 4 सॉलिड्स रीजन होंगे जिसके वजह से हम लोग इसको पैरेलल में अरेंज करते हैं। हाउस वायरिंग के बारे में इसी चैप्टर में आगे आपको बताया भी जाएगा, वहां और ज्यादा क्लियर होगा। सेकेंड टॉपिक हम लोगों का था अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन डिफरेंट रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 रेसिस्टेंसेज को लिया गया है, तो अलग अलग रेसिस्टेंस में कितने अमाउंट के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होंगे, इसके बारे में देखिए, बहुत ही क्लियर फिगर है, इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम आपको बताया गया, सिंपल डायग्राम है ये। 2 अलग अलग रेसिस्टेंस है R1 एंड R2। इस R1 और R2 को 20 पोटेंशियल डिफरेंस के सेल से कनेक्ट कर दिया गया है, इससे करंट I फ्लो हो रहा है। यहां आकर के अब देखिए इस पॉइंट पर गौर करिए, इस पॉइंट पर करंट 2 डिफरेंट ब्रांच में चला गया, एक R1 में जिसको I1 नाम दे दिया गया, और एक R2 में जिसको I2 नाम दे दिया गया, है ना। और फिर आप अगर देखेंगे तो I1 यहां से यहां तक I1 ही रहेगा, और यहां से ये I2, और I1 I2 फिर से एक साथ I में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इसका सम ऑफ हो जाएगा। अब देखिए 2 पॉइंट्स है, अगर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी कर लें, तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 के लिए वही होगा और R2 के लिए वही होगा। दैट मीन्स आप अगर
वी बी माइनस वी ए करना चाहते हैं, है ना, कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी और बी ए अगर आप लेंगे तो ये आएगा वी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, आई आर, तो ये हो जाएगा आई वन आर वन और ये भी आई टू आर टू, बहुत ही क्लियर है ना, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो वी ए बी अगर इसका ले लें वी ए बी और इसका ले लें वी बी ए, एक ही चीज होगा तो इक्वल होगा, और ऐसे में आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर टू होगा, है ना, ये लाइन इस चीज के लिए काम करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बोथ रेसिस्टेंसेस विल बी सेम, क्योंकि पैरेलल है। अब इसी रिलेशन को थोड़ा आगे लेते हैं हम लोग, इस रिलेशन को जब आगे लेंगे तो आई वन इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, आई टू आर टू बाई आर वन, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आई टू इज इक्वल टू, आई टू इज इक्वल टू आई वन आर वन, आई वन आर वन बाई आर टू, ये दोनों डेवलपमेंट होगा, ये दोनों रिलेशन लिखा जा सकता है बिल्कुल, जिसको भी ले ले। अभी हम लोग आई टू को लेकर के आगे बढ़ेंगे, देखिए वो आई वन भी आप ले सकते हैं, आप देखेंगे कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा। चूंकि एक और चीज हम लोग जान रहे हैं, आई ही आई वन और आई टू में कन्वर्ट हुआ है, आई ही आई वन और आई टू में कन्वर्ट हुआ, या बी पॉइंट पर आप देखें आई वन और आई टू मिलकर के आई होता रहा, एक ही चीज है, तो आई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है आई वन प्लस आई टू, आई वन को आई वन रहने दो और आई टू की जगह जो आई वन के रिस्पेक्ट में रिलेशन आया है उसको उसके टर्म में उसको हम लोग लिख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, देखिए स्टेप वाइज समझिए। अब ऐसा क्यों किए इस पर भी बात करेंगे, पहले आगे स्टेप्स वाइज आप समझिए, आई वन कॉमन लेंगे वन प्लस आर वन बाई आर टू होगा, आगे देखें इस स्टेप को आगे, आई इज इक्वल टू होगा आई वन, अभी देखो ये हो जाएगा आर टू प्लस आर वन, तो सीधा हम लोग लिख लेते हैं आर वन प्लस आर टू बाई आर टू, एलसीएम लेंगे तो इसका फ्रैक्शनल एडिशन करना होगा आपको, तो आई इज इक्वल टू आई वन आर वन आर टू बाई आर टू। हमको निकालना क्या है, बेसिकली हमको आई वन और आई टू चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन डिफरेंट रेसिस्टेंस, तो डिफरेंट रेसिस्टेंसेज में आर वन और आर टू में, तो आर वन में कौन सा करंट जा रहा है आई वन, तो आई वन हम लोगों को निकालना होगा, तो आई वन इज इक्वल टू बहुत ही सिंपल हो जाएगा आई आर टू बाई आर वन प्लस आर टू, क्या ये बहुत ही सिंपल था। अभी देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द रेसिस्टेंसेज विल बी सेम, सो वी कैन राइट वी ए वी ए बी इज इक्वल टू वी बी ए एंड दिस इज इक्वल टू आई वन आर वन इज इक्वल टू आई टू आर टू, आई वन इक्वल्स टू वी कैन राइट फ्रॉम हियर आई वन इक्वल टू आई टू आर टू बाई आर वन एंड आई टू इक्वल टू आई वन आर वन बाई आर टू, या ये इस इक्वेशन से इस दोनों को लिखा जा सकता है, या तो इसको लेकर के भी आप आगे बढ़ सकते हैं या इसको लेकर के भी आगे बढ़ सकते हैं। अभी देखिए आई के बारे में अगर हम बात करें तो आई आई वन आई टू में कन्वर्ट हुआ था या फिर टोटली एक ही हो जा रहा है, तो आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू लिखा जा सकता है। अब यहाँ ये समझना था कि ऐसा क्यों किया गया है ना, कि आप आई वन को आई वन रखें और फिर आई टू को आई वन के रिस्पेक्ट में लिखने का बात किया। देखिए यहाँ पर एक चीज होगा कि ये जो वी है पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है आई, ये जो रेसिस्टेंसेज है, ये सब गिवन है और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है, अननोन फिजिकल क्वांटिटीज तो आपके लिए आई वन एंड आई टू है, तो अननोन फिजिकल क्वांटिटी को गेन करने के लिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प लेना होता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं जब आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू लिखे हैं, सिर्फ आई नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, दैट मीन्स कि पहले से वो आपको पता रहेगा कि हो सकता है 10 एम्पियर का सप्लाई है, अब बताओ कि इतने रेसिस्टेंस में और इतने रेसिस्टेंस में कितने कितने एम्पियर के इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होंगे, है ना, तो आई को हम लोग क्या किए कि इस अननोन फिजिकल क्वांटिटी दैट मीन्स आई वन या आई टू, अभी हम लोग टारगेट किए आई वन को, तो आई वन को आई के टर्म में लिखने का काम किए। देखिए आई वन को हम लोग आई के टर्म में यहाँ लिख दिए हैं और यही फॉर्मूला भी बन जाता है। आप ही सोचिए जब आई वन के लिए फॉर्मूला आता है आई आर टू बाई आर आर वन बाई आर वन प्लस आर टू, तो इसी तरह से शो ऑन आप कर लेंगे खुद से आई टू इज इक्वल टू क्या होगा वो देखिए, इसी पैटर्न पर आपको जिस तरह से हम आई टू इज इक्वल टू जो रिलेशन था वो लिए थे, आपको आई वन वाला रिलेशन लेना है तो आई टू आ जाएगा, तो आई टू इज इक्वल टू आ जाएगा आई आर वन बाई आर वन प्लस आर टू,
देखो कितना सिंपल रिलेशन है ना। तो अब फर्स्ट ब्रांच में कितने इलेक्ट्रिक करंट जाएंगे वो डिपेंड करेगा टोटल इलेक्ट्रिक करंट पर, सेकंड रेसिस्टेंस पर, फर्स्ट रेसिस्टेंस पर, सेकंड रेसिस्टेंस पर। ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी हमारा नोन होना चाहिए जिससे हमको डिफरेंट ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट का पता चलता है ना। आप लोग शायद व्यू नहीं करते हैं जिसका वजह हो सकता है कि वीडियो काफी बड़ा हो, इस वजह से शॉर्ट टॉपिक पर अब वीडियो बनाया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।